हेलो एवरीवन, मैं क्रिएट कर रही हूँ रक्षाबंधन का लुक। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ सीरम, जो कि मेरा बेस हमेशा होता है सीरम। सीरम नहीं है, एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे का लूमी क्रीम, जिसको कि हाइलाइटर बेस होता है, मॉइस्चराइज करता है फेस को, मॉइस्चराइजर एंड हाइलाइटर होता है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा ग्लो देता है, शाइन देता है फेस पर। एंड देन मैं लगा रही हूँ लैक्मे का प्राइमर, और ये जब जैसे ही मैं लगाती हूँ ना, जैसे लगता है मेरे हाथ उंगलियाँ फिसल रही हों। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है लैक्मे का प्राइमर। एंड ये मैंने प्राइमर भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लगा रहे हैं कलर करेक्टर, जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा मैच खाता है। आपको बहुत ही प्योर ऑरेंज कलर तो नहीं समझ में आता होगा ये, बट ये ऑरेंज है। और जहाँ भी मेरे को डार्क पैचेस हैं अंडर आईज एंड मेरे होठ के पास में, जहाँ भी पैचेस मेरे को लगते हैं डार्क, मैं वहाँ पर लगाती हूँ इसको। मैं ब्रश से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड दिन का मेकअप है तो मैं लैक्मे का सीसी क्रीम लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका बेस बैठ जाता है। और मैं ऐसे ही फाउंडेशन लगाती हूँ, सीसी क्रीम लगाती हूँ टैप टैप करके। और कभी भी आपको जल्दी जल्दी फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि फाउंडेशन केक ही लगने लग जाता है, और टैप टैप करके ही लगाना चाहिए। अब मैं लगा रही हूँ शुगर का कंसीलर, अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, नोज़ पे लगाऊंगी, हेड पे लगाऊंगी, चिन पे लगाऊंगी, और इस तरीके से मैं टैप टैप करूंगी, जिससे कि मेरे जो थोड़े बहुत भी डार्क पैचेसेस हैं वो एकदम हाइड हो जाएं। तो इस तरीके से मैं मेकअप अपना क्लीन करती हूँ। एंड अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, जो कि क्रीम कंटूरिंग है। इससे आपका थोड़ा फेस शार्प लगता है। अभी क्या है कि दिन का है तो मैं थोड़ा लाइट कंटूरिंग कर रही हूँ, बहुत हैवी कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कंटूरिंग करती हूँ अपने फेस पर, जो कि थोड़ा बेटर है। एंड अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप लूज़ पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छा सेट कर देता है, तो इस वजह से लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड मैं हमेशा ही लिपस्टिक से हमेशा ब्लश करती हूँ, मैं कभी भी ब्लशर पे पैसा वेस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी मेरे पास पाउडर ब्लश है, बट मैं क्रीम ब्लश के लिए हमेशा लिपस्टिक, पिंक कलर की लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ। एंड देन मैं अब आईज़ मेकअप कर रही हूँ। मेरे लिए आईज़ मेकअप बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद है, बिकॉज आप जब तक अपने आँखों को आप कलर नहीं दोगे, तब तक आपका फेस जो है थोड़ा चेंज नहीं लगेगा। अभी क्या है, सारे जो मेकअप होते हैं वो एक जैसे तो होते हैं, बट अगर आपने सेम आँखों का मेकअप नहीं किया ना, तो आपका फेस बिल्कुल भी चेंज नहीं लगेगा। तो इसीलिए आँखों का मेकअप जब करते हो तो आपका पूरा पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है। देन मैं इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही लाइट बेस का मैं मेकअप यहाँ पर कर रही हूँ, आई मेकअप, जो कि मैंने पिच कलर का ही शेडो मैंने किया है। एंड देन इसके ऊपर ऊपर पर मैंने लाइट ब्राउन कलर का किया है। एंड देन नीचे साइड पे भी मैंने पिच कलर से ही इसको शेडो किया हुआ है। एंड यहाँ पर लाइनर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ आज, और मैं मस्कारा लगा रही हूँ। ये फेसेस कनाडा का मस्कारा है, और जो कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है, आप मेरी आँखों को देख सकते हैं। एंड इसी तरह अब दूसरे आँखों में भी मैं मेकअप कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया, मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसे मेकअप तो नहीं किया, बट मैंने आपको वीडियो एडिट में मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है कि आप देख सको। एंड मैंने इस तरीके से मैं अपने आईज़ मेकअप मैं कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और मैं आपको गर्ल्स टॉक मेकअप ब्यूटी के बारे में मैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी दूंगी। एंड लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइटर लगाना है कॉर्नर पर, जिससे कि हमारी जो आँखें हैं ना और ज़्यादा खूबसूरत लगे। एंड अपने फेस को भी हाईलाइट कर रही हूँ, नोज़ पर, गालों पर, होठों पर भी मैं थोड़ा लगाऊँगी, तो थोड़ा मेरा फेस जो है ना वो और ज़्यादा हाईलाइट करेगा। एंड मैं यहाँ थोड़ा नेचुरल पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं उसी लिपस्टिक से फ्लैट ब्रश से ही लाइन दूंगी अपने लिप को, लिप लाइनर के रूप में। एंड और लिपस्टिक लगा रही हूँ, देख सकते हो कि नेचुरल कितना लग रहा है। एंड अब इसमें तो हम नहीं कर सकते ना, देन आउटफिट मैं चेंज कर रही हूँ। ये रहा मेरा मैजिकल टाइम, एंड ये है मेरा आउटफिट। अब मैं हेयर को भी चेंज कर ले रही हूँ, अपने हेयर को भी बना लिया है मैंने। अब मैं ये बालियाँ पहन ले रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल सी है, और ये मुझे बहुत टाइम से मेरे पास है। एंड मैं अपना ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक
कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार मुझे दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये मेरा मेकअप लुक है, तब मिलते हैं, बाय बाय।